Hello student, today I am going to teach you assignment of second semester and subject है हिंदी. यहाँ सिलेबस दिया गया है, काव्य पाठ 1 से 7 तक का दिया गया है. 1 क्वेश्चन जो प्रश्न 1 है आ है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. क्या है सही वाक्यांश चुनकर हमें पूरा वाक्य फिर से लिखना है. नंबर 1 है भूल कर भी हमसे कोई, आ है अन्याय ना हो व अपराध ना हो का भूल ना हो. अपना राइट आंसर क्या लिखेंगे. नंबर 1 में है भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो का लेंगे हम. यहाँ से सही वाक्यांश जो है इसका यहाँ से का लेंगे भूल ना हो. तो भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो. नंबर 2 है लड़की को डर था कि, आमे है अब वह केले कहाँ से खरीदेगी. लड़की को डर था कि आमे है अब वह केले कहाँ से खरीदेगी. वो है कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब ना हो गए हों. काम है वह माँ को क्या जवाब देगी. 3 ऑप्शन दिए गए हैं अबा का. तो 2 नंबर में है लड़की को डर था कि का लिखेंगे वह माँ को क्या जवाब देगी. क्या लिखेंगे के साथ वह माँ को क्या जवाब देगी. नंबर 3 है भाषण समाप्त कर गांधी जी. भाषण समाप्त कर गांधी जी आ महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे. आमे है महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे. वह है सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे. और कामे है भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे. भाषण समाप्त कर गांधी जी को लिखेंगे भेंट में जो उन्हें भेंट में मिली थी वस्तुएं. भेंट में मिली वस्तुएं का है भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे. भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे. नंबर 4 डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि. डब्बू जो था इतिहास में फेल हो गया क्योंकि हमें है वह परीक्षा में अनुपस्थित था. वह है उसने पढ़ाई नहीं की थी. काम है सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था. 4 नंबर है डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि का है राइट उसका है सही वाक्यांश है सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था. 5 नंबर है किताबें हमें भले बुरे का आ है महत्व बताती है. बाह स्रोत बताती है को फर्क बताती है. नंबर 5 है किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती हैं. हमें किताबें पढ़ते हैं उसमें जो बातें बताई जाती है अच्छी वो बातें क्या है जो इंसान भला है बुरे कोई भी चीज अच्छी बुरी है वो सबका फर्क कौन बताती है किताबें बताती हैं. तो 5 नंबर में है किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है. 6 नंबर है विज्ञान के कारण हमें. विज्ञान के कारण हमें आ तरह तरह की दुविधाएं मिली हैं. बाहे तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं. काहे तरह तरह की रचनाएं मिली हैं. 6 नंबर है विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की रचनाएं मिली हैं.
सात नंबर है, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि। सात नंबर है, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि आहे उसे उसकी मोहरें चुरानी थी व उसे उसकी जांच करनी थी का उसके घर में तेल खत्म हो गया था। क्या है वाजिद का सेवन नंबर? सात नंबर है, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि। बालेंगे सही वाक्यांश क्योंकि रसोई ने उसके आए का लेंगे के उसके घर में तेल खत्म हो गया था। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि का है उसके का जो सही वाक्यांश है उसके घर में तेल खत्म हो गया था। नंबर आठ है, खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि। आठ नंबर है, खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि आहे वह बहुत समझदार था ब वह अच्छा जासूस था क वह काजी का बेटा था। नंबर आठ है, खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि आया वह बहुत समझदार था ब वह अच्छा जासूस था और काहे वह काजी का बेटा था। अपना जो सही वाक्यांश है आहे वह बहुत समझदार था। तो खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। नौ नंबर है, देवेंद्र का रोल नंबर आहे कमरा नंबर चार में था ब कमरा नंबर तीन में था क है कमरा नंबर पांच में था। देवेंद्र का रोल नंबर अ कमरा नंबर चार में था। इसका सही वाक्यांश है कमरा नंबर चार में था। प्रश्न एक ब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। एक नंबर है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है। नंबर एक है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है। ए पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के और डी धन के। नंबर एक है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है। बी खुद के। क्या राय हम उत्तर क्या लिखेंगे? दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है। खुद के खो जाने का डर है। यहाँ लिखेंगे बी खुद के। दो नंबर, जाने कैसे ये धरती थमी है। दो नंबर है, जाने कैसे ये थमी है। तो यहाँ ये जिंदगी, बी धरती, सी सांस और डी आशा। जाने कैसे ये धरती थमी है, यहाँ लिखेंगे धरती। तीन नंबर है, नेपोलियन कैसा इंसान था। नेपोलियन कैसा इंसान था? ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर, डी अनूठा। नेपोलियन अनूठा इंसान था, लिखेंगे डी जो है उसका देंगे वाक्य सही विकल्प है डी अनूठा। नेपोलियन अनूठा इंसान था। चार नंबर है, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था। नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था। ए पकड़ा पकड़ी, बी आंख मिचौनी, सी टेनिस, डी खो खो। नेपोलियन अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी खेल खेल रहा था। क्या लिखेंगे? नेपोलियन अपनी बहन के साथ
आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। 5 नंबर है, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा। 5 नंबर है, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा। ए कील का, बी खोपड़ी का, सी पत्थर का, डी हाथ का। एक आदमी ने सोनू से खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा। बी जो है उसका सही वाक्य जो विकल्प है बी लिखेंगे, खोपड़ी का। 6 नंबर है, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है। 6 नंबर है, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है। ए ज्ञान वितरण, बी ज्ञान अर्जन, सी ज्ञान मंथन, डी है नव जागरण। हमारा जो रह जाए सही विकल्प जो इसका है ज्ञान अर्जन। पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जन की हमारी जिम्मेदारी है। 7 नंबर है, उमिया नगर सोसाइटी किस शहर में है। 7 नंबर है, उमिया नगर सोसाइटी किस शहर में है। ए मुंद्रा में, बी सूरत में, सी बड़ौदा में, डी अहमदाबाद में। राइट आंसर का सही वाक्यांश है उसका जो विकल्प है मुंद्रा में। नंबर 8 है, जय जवान जय किसान, यह क्या है, यह एक है वाक्य है। ए में लिखा हुआ है, बी पंक्ति है, सी कहावत है, डी नारा है। क्या है ये, नारा है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने जो दिया था यह एक नारा है। 9 नंबर, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही समझना। ए गांव, बी मकान, सी घर, डी ससुराल। 9 नंबर है, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना, तो यहाँ सही विकल्प सी है घर, यहाँ लिखेंगे घर समझना। नंबर 10, इराक की राजधानी का नाम बताइए। इराक की राजधानी का नाम बताइए। ए तेहरान, बी जेरूसलम, सी बगदाद, डी मदीना। तो इराक की राजधानी का नाम बगदाद है। क्या है, बगदाद है, सही विकल्प है सी बगदाद। 11 नंबर है, किसी चीज को पढ़कर उसको मुहर बंद करना, किसी चीज को ढककर उसको मुहर बंद करना। ए सील बोलेंगे, बी कील, सी हील, डी मील। तो हमारा सही जो विकल्प है ए सील। तो क्या है, किसी चीज को ढककर उसको मोहर बंद करना, क्या है, सील कहलाता है वो। नंबर 12 है, पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था, पुराने जमाने समय में जहाँ सामान रखा जाता था उसे क्या बोलते थे। ए खान खाना दी, बी गुसल खाना, सी माई खाना, डी तह खाना। पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था वह तह खाना जो है कहलाता था। तो उसका जो राइट विकल्प है, जो सही विकल्प है डी तह खाना। नंबर 13, चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया था। 13 नंबर है, चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया था। ए शर्ट, बी पैंट, सी बैग, डी जूते।
तो उसकी क्या है, चाय गिर गई थी। चाय गिरने से उसका जो उसकी थी पैंट खराब हो गई थी, तो चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया था, बी लिखेंगे इसका, जो इसका सही विकल्प है बी पैंट। 14 नंबर है, देवेंद्र कैसा छात्र था, ए चालाक, बी आज्ञाकारी, सी नियमित, डी मेधावी। देवेंद्र मेधावी छात्र था, सही वाक्यांश है वो है डी मेधावी। 15 नंबर है, यह भी एक परीक्षा पाठ का प्रकार क्या है, यह भी एक परीक्षा पाठ का प्रकार क्या है, ए कहानी, बी उपन्यास, सी एकांकी और डी निबंध। ए कहानी, बी उपन्यास, सी एकांकी, डी निबंध। तो जो उसका यह एक परीक्षा है उसका जो प्रकार है वो है एकांकी। 2 बाय निम्नलिखित अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है मन का कमजोर होना, तो विश्वास। नंबर 1 है मन का विश्वास कमजोर होना। 2 नंबर है बोझ ममता से तू ये उठा ले, क्या है बोझ ममता से तू ये उठा ले। 3 नंबर है सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, यहाँ लिखेंगे जो है ब्लैक प्रदेश में लिखना है, जो रिक्त स्थान है उसमें लिखना है मधुबन। नंबर 4 है नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था, क्या लिखेंगे यहाँ सत्यवादी था। 5 नंबर है देश प्रेम, क्या है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। 6 नंबर है बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था, 6 नंबर है बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। 7 नंबर कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। 8 नंबर तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, यहाँ लिखेंगे जो रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे किराया। 8 नंबर तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। 9 नंबर जो के मित्र वह मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यहाँ लिखेंगे पुस्तक। 10 नंबर है हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है, हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है। 11 नंबर है तुम भी क्या है वाचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे, तुम भी वाचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। 12 नंबर है कंप्यूटर की क्रांति आ गई, कंप्यूटर की क्रांति आ गई। 13 नंबर है बच्चे नई सदी के बोले, बच्चे नई सदी के बोले। 14 नंबर है पर बातें कीजिए, लिखेंगे मोबाइल पर बातें कीजिए। 15 नंबर है अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा का निश्चय किया, लिखेंगे शरीफ, मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। 16 नंबर है खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया, सबूत लिखेंगे इसमें रिक्त स्थान में, खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। 17 नंबर में सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की, लिखेंगे सूझबूझ। 18 नंबर है अरे हट जोंक की तरह चिपक जाता है,
18 नंबर में है, अरे हट जौ की तरह चिपक जाता है, यहाँ लिखेंगे जौ को। 19 नंबर है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है। क्या है 19 नंबर में, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है। 20 नंबर है, इंसान की इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है, इंसान की जिंदगी। क्या लिखेंगे, इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। प्रश्न 4 निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ नंबर 1 में है, स्वर्ण सवेरा लाना। 2 नंबर में है, सिर खुजलाना। 3 में है, कहा सुनी होना। 4 नंबर में है, भूरी भूरी प्रशंसा करना। 5 नंबर में है, अपनी बात रखना। 6 नंबर में है, आईना बनाना। 7 में है, शकुन खराब करना। 8 में है, नाक में दम करना। 1 में है, स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा निर्माण करना। स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा जो है निर्माण करना। 2 नंबर है, सिर खुजलाना, इसका अर्थ जो होता है, जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है समझ ना पाने की, क्या है ये, अच्छा देखिए सुख सुविधा निर्माण करना। और 2 नंबर का अर्थ होगा कि समझ ना पाने की क्या किया जाए। अब 3 में है, कहा सुनी होना, वाद विवाद होना, इसका अर्थ क्या होता है वाद विवाद होना। 4 नंबर में, बुरी बुरी प्रशंसा करना, बहुत तारीफ करना। 5 नंबर है, अपनी बात रखना, यानी इसका मतलब क्या है, इसका जो अर्थ है अपनी बात रखना यानी जो हुआ था वह बताना। 6 नंबर है, आईना बनाना, आईना बनाना यानी बहुत चमकदार बनाना। 7 नंबर में, शकुन खराब करना, शुभ मुहूर्त में बाधक बनना, शुभ मुहूर्त में बाधक बनना। 9 में, दम करना यानी बहुत परेशान करना।